हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप लौकी की सब्जी खा खा के बोर हो चुके हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चना दाल लौकी। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। लौकी चना दाल बनाने के लिए मैंने लौकी ली है, ये 800 ग्राम लौकी है। आपको लौकी इस तरह की लेनी है, धारी वाली। इस धारी वाली लौकी का एक अपना अलग एक टेस्ट होता है, ये खाने में बड़ी मजे की लगती है। और 50 ग्राम करीब ही हमारी दाल है चना। अब हम लौकी को छीलेंगे और लौकी को छील करके हम इसके टुकड़े इसके कर लेंगे। बारीक बारीक मैंने ये लौकी काट ली है इस तरह से। अब हम इसे पकाने की तरफ चलते हैं। एक लेंगे कुकर, कुकर में डालेंगे अपनी लौकी। और ये हमारी दाल है, ये हमने 3 मरतबा धो करके इसे साफ़ कर लिया था, ये भी हम इसे ऐड कर देंगे। आधी स्पून डालेंगे ये नमक, 1 पिंच ये हल्दी। मसाले हम बहुत ही कम डालेंगे क्योंकि हम बाद में डालने वाले हैं। 1 स्पून ये सूखा धनिया, 1/2 लीटर है ये पानी। और चलाएंगे। कुकर हमने गैस पे चढ़ा दिया है और फ्लेम रखेंगे इसका हाई और इसे कवर कर देंगे। 1 विसल देंगे हाई फ्लेम पे और 2 विसल देंगे लो फ्लेम पे, और उसके बाद ठंडा करके आपको दिखाएंगे। और भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब देखते हैं हम अपने कुकर को खोल करके। दाल भी हमारी अच्छी सॉफ्ट हो गई है और लौकी भी हमारी अच्छे से गल गई है। अब हम करते हैं अपने तड़के की तैयारी। गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे तड़का देने के लिए। 2 स्पून डालेंगे इसमें तेल, ये हमारा सरसों का तेल है। तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है। 1/2 स्पून है हमारा ज़ीरा, 2 हमारी ये लाल मिर्च हैं, थोड़ा हमारा हींग है, 1 हमने बारीक बारीक प्याज चॉप कर ली थी, इसमें डाल देंगे और इसे ब्राउन करेंगे, हल्की ब्राउन करेंगे। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। प्याज हमारी अच्छे से भुन चुकी है और इसका रंग भी चेंज हो गया है। एक हमारा ये तेजपात का टुकड़ा है, हम 2 टुकड़े करके डाल देंगे इसे भी। 1 स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे तब तक इसकी लहसुन अदरक की स्मेल ना निकल जाए। लहसुन अदरक भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। 1 टमाटर की हमारी प्योरी है, ये भी हम इसी में डाल देंगे और भुनेंगे। 1/2 स्पून डालेंगे हम नमक, क्योंकि हमने नमक अपने कुकर में भी डाला था, और इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर प्याज हमारे सभी अच्छे से भुन चुके हैं और इन्हें तेल भी छोड़ दिया है। अब हम डालते हैं इसमें थोड़ी हल्दी, थोड़ी ये मिर्च। मसाले हम कमी डालेंगे क्योंकि हमने मसाले पहले अपने कुकर में डाल दिए थे, और इन्हें भी अच्छी तरह से भून लेंगे। 2 हमारी हरी मिर्ची हैं, ये बारीक बारीक हमने काट ली थी, ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इनको भी अच्छे से अपने मसालों में भून लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से भुन चुके हैं, मसालों ने हमारे तेल भी छोड़ दिया है। 1 स्पून भर के हम देसी घी डालेंगे और इसे भी चलाएँगे। और हमने जो चना दाल लौकी कुकर में तैयार किया था, ये भी हम इसी में ऐड कर देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके घर में चना दाल लौकी कोई खाना पसंद नहीं करता, आप जब इस तरीके से लौकी चना बनाएंगे तो सभी पसंद करेंगे, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी भी है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखें। वीडियो अगर आपको हमारी चना दाल की अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ और दोस्तों में परिवार में शेयर करें। आपको अपनी सब्जी पतली गाढ़ी जैसी भी करनी हो उसी हिसाब से आप पानी डाल दीजिए इसमें। आपको चपाती से खानी है तो इसी तरह की रख लीजिए, और चावल से खानी है तो थोड़ी पतली कर लीजिए। जिसमें हमारी दाल थी वो भी हम इसी में धो करके पानी डाल देंगे और उबाल आने तक इसे पकाएंगे। लौकी चना दाल में हमारे अब उबाल आ चुका है। अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये हमारा गर्म मसाला है 1/2 स्पून, 1 स्पून है हमारा चाट मसाला, 1 स्पून है हमारा भुना हुआ ज़ीरा। आप इसमें इमली की पानी भी डाल सकते हैं खटास के लिए, अगर आपको खट्टा पसंद हो तो। और थोड़ा इसमें अब हम धनिया डालेंगे और अच्छे से चलाएंगे। चना दाल लौकी हमारी अब बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम एक प्लेट में आपको सर्व करने के लिए दिखाते हैं। लीजिए, ये हमारी चना दाल लौकी अब बनके बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। और फिर मिलेंगे एक नई सब्जी के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।